विवेक रंजन अग्निहोत्री जो अपने खुद के फोटो जामा मस्जिद से पोस्ट करते हैं, याद रखिएगा अगले एक हफ्ते में हमारी मूवी आ रही है। आपको बता दें द पतंजलि फाइल्स, बाबा रामदेव को समझ रहे हैं ना, पतंजलि ने जिनके घर कब्जे किए ना वो भी हिंदू हैं। वॉचिंग द प्रॉब्लम अगेन अगेन एंड अगेन, डैम इट, कश्मीरी पंडित किसी के लिए ना मुद्दा नहीं है, ये एक ह्यूमन वैल्यू बन गया है पॉलिटिकल पार्टीज का, जिससे उन्हें इमोशन के वोट चाहिए। जय हिंद जय भारत। रेबल सदानंद पति, सेशन को ज्वाइन करते हैं आइए। और एक विषय था जिसके बारे में हम लोगों ने बात की थी अभी, मौजूदा टाइम पे मैं अहमदाबाद हूँ और इसके बाद अपनी पूरी टीम हमारी इधर आएगी गुजरात में, लेकिन आज का विषय पॉलिटिकल नहीं है। आज केवल आप लोगों को एक बात से अवगत करानी थी, छोटा सा विषय है, बहुत छोटा सा है, लेकिन शायद बहुत लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है। आप लोगों ने एक मूवी देखी है द कश्मीर फाइल्स, राइट? वो मूवी अभी बहुत चर्चे में है, थ्रू आउट इंडिया आप देख रहे हैं और पैन इंडिया देख रहे हैं, और पैन इंडिया इसको प्रमोट भी किया जा रहा है, लगभग 10 स्टेट्स से ज़्यादा स्टेट्स में ये टैक्स फ्री हो गया है। इससे कोई इशू नहीं है, पहली बात तो हम कश्मीरी पंडितों को सपोर्ट करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी का अधिकार छीनना नहीं चाहिए, लेकिन टाइमिंग ऑफ द मूवी और थीम ऑफ द मूवी इसके ऊपर नहीं, उनको बात करने दीजिए, कोई नहीं, वो अपना करे करे, कोई इशू नहीं। और टाइमिंग ऑफ द मूवी, इस मूवी का जो टाइमिंग है ना और कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट के ऊपर एक बहुत जल्दी नेशनल लेवल पे हम लोग डिबेट ला रहे हैं, जिसमें सैटेलाइट टीवी भी सारे आएंगे। ये भी मैं आपको बता दूं कि द कश्मीर फाइल्स के जो डायरेक्टर हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री, कौन है विवेक रंजन अग्निहोत्री, आप जानते हैं, परिचय है आपका उन लोगों से? हम लोग जानते हैं उनको बहुत अच्छे से, इसलिए नहीं कि मीडिया के लोग हैं, क्योंकि थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने की ना आदत है। विवेक रंजन अग्निहोत्री जो अपने खुद के फोटो जामा मस्जिद से पोस्ट करते हैं, याद रखिएगा ये वही विवेक रंजन अग्निहोत्री हैं जब MF हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन, वर्ल्ड के सबसे बड़े चित्रकार आर्टिस्ट है ना, उन्होंने जब बहुत सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस के ऊपर न्यूड पेंटिंग्स बनाई थी, तो सारे मुसलमान जो स्कॉलर्स हैं, हिंदू के स्कॉलर, हम एकजुट हो गए थे एक साथ कि ये गलत है, किसी रिलीजन के ऊपर इस तरह का कोई चित्र नहीं बनना चाहिए, न्यूडिटी के ऊपर। सब मुस्लिम स्कॉलर, सब हिंदू स्कॉलर, सब एक थे। तब ये विवेक रंजन अग्निहोत्री जो डायरेक्टर थे, डायरेक्टर हैं कश्मीर फाइल्स के, उन्होंने स्टैंड लिया था MF हुसैन के साथ, आप समझ रहे हैं ना, ये वो फिल्म वाले हैं। इस आदमी ने जिसने कश्मीर फाइल्स बनाई है, इसने स्टैंड लिया था MF हुसैन के साथ, जबकि पूरे देश में एक लहर था कि किसी रिलीजन पे, कोई भी धर्म के ऊपर, हिंदू देवी देवताओं के ऊपर आपको कोई भी न्यूड फोटो या पेंटिंग्स नहीं बनाने हैं, राइट? और आज वही व्यक्ति उत्तर प्रदेश चुनाव में, और अब जब आप देख रहे हैं कि गुजरात का चुनाव है, कश्मीर फाइल्स के ऊपर मूवी लाते हैं, लोगों के दर्द, लोगों के मर्डर्स, लोगों की हत्याएं, आगजनी, दंगा, ये इसके ऊपर मूवी बनाते हैं, तो क्या इनको इस बात पे मूवी नहीं बनानी चाहिए कि मौजूदा सरकार कौन थी जब ये दंगा हुआ? क्या इनको इस बात पे मूवी नहीं बनाने चाहिए कि 7 साल 98 में भी इनकी सरकार थी तो आखिर कश्मीरी पंडितों को उनकी जमीन क्यों नहीं लौटाया गया? क्या इनको इस बात पे मूवी नहीं बनाना चाहिए कि कश्मीरी पंडितों के कितने फ्लैट्स हैं? मैं बता सकता हूं, क्योंकि 2019 से लेकर अब तक मेरा नियर अबाउट 13 बार जम्मू कश्मीर की यात्रा हो चुकी है, मेरी पूरी मीडिया टीम की, ठीक है? हमने बताया कि 2007 में पहली बार बटमालू में, समझ रहे ना, और भी कुछ जगहों में कश्मीरी पंडितों के लिए फ्लैट्स बनाए गए थे, पर उनको क्या लिखा गया कॉन्ट्रैक्ट में? माइग्रेंट लेबर्स, माइग्रेंट, द वर्ड इज माइग्रेंट, अप्रवासी पक्षी। ये पक्षी है क्या? ये मूवी किसके ऊपर बनने चाहिए थे? ये मूवी बनना चाहिए था कि उनकी जमीनें उन्हें क्यों नहीं मिल रही है। मैं इस वीडियो में अर्ज करूंगा और तमाम मीडिया के जितने मेरे साथी हैं, बहुत जल्दी हम लोग इस कंसोर्टियम में आएंगे, हम किसी मूवी का विरोध नहीं कर रहे हैं, पर विवेक रंजन अग्निहोत्री का सच जानना चाहिए आपको। आपको जानना चाहिए कि 1990 में जब ये दंगे हुए थे, जब इतना बड़ा पलायन हुआ था, फोर्सफुल पलायन, मैं स्वीकार करता हूं और मैं कहता हूं, क्योंकि हम स्टैंड लेते हैं कश्मीरी पंडितों के साथ, सरकार किसकी थी? बीपी सिंह की। उस सरकार में किसका सहयोग था? बीजेपी के। गवर्नर कौन थे याद है आप लोगों को? याद है, बीजेपी के गवर्नर थे, बराबर। तो फिर आप ये सवाल उनसे क्यों नहीं पूछते हैं कि जब इस तरह की इतनी बड़ी मैसेकर हुआ, आप लोगों ने उस सरकार से अपना सपोर्ट वापस क्यों नहीं ले लिया?
आपको वापस लेना चाहिए था, जगमोहन थे गवर्नर वहां के, बराबर। ये विवेक रंजन अग्निहोत्री इस बात को मीडिया में दिखाते हैं क्या? दिखाते हैं मूवी में कि बीजेपी ने सहयोग दिया था? इस मूवी में दिखाना नहीं चाहिए था आपको? आप दोनों चीजें दिखाइए, आप जुल्म दिखा रहे हैं ना, आप समाधान दिखाइए। जुल्म हम देख चुके हैं, समाधान कब दिखाएंगे? When will we see the solution instead of watching the problem again, again and again? Damn it! कश्मीरी पंडित किसी के लिए ना मुद्दा नहीं है, ये एक ह्यूमन वैल्यू बन गया पॉलिटिकल पार्टीज का, जिससे उन्हें इमोशन के वोट चाहिए। ये सीरियस है कश्मीरी पंडित के लिए, हैं? ये सीरियस है। आइए एक चैलेंज कर लें। मैं तो जाता रहता हूं कश्मीर, गलियों का नाम बताऊं, आप मेरे वीडियोस देख लीजिएगा। हम स्टैंड लेते हैं कश्मीरी पंडितों के साथ, लेकिन इस मूवी के साथ कोई स्टैंड नहीं लेते। 30 साल के बाद आप जख्म ताजे मत कीजिए, जख्म भरने का सोचिए, उनके मकान दिलाने का सोचिए, उनका अधिकार दिलाने का सोचिए। आप ये मूवी गुजरात में रिलीज करते हैं, यूपी में रिलीज करते हैं, क्या गुजरात से, यूपी से, पश्चिम बंगाल से लोग गए थे क्या वहां दंगा करने? है? आप दिखाइए ना कि बीजेपी के गवर्नमेंट के लोग भी थे। ये कौन दिखाएगा? कौन इनकी आंखें खोलेंगे भाई? जगमोहन गवर्नर थे, उनका क्या स्टैंड था, क्या स्टेटमेंट था उनका, बताइए ना। गवर्नमेंट मशीनरी क्यों फेल हो गई? इसके ऊपर कब रिसर्च होगा? R&D कब होगी? कोई देगा इस बारे में जवाब? देगा कोई? बता सकता है कि आज मैं श्रीनगर में अगर प्लॉट खरीदना चाहूं तो उसकी क्राइटेरिया क्या है? 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 आपने हटा दिया, हो गया कश्मीर हमारा। हम में से, आप में से 135 करोड़ कोई भी एक, किसने खरीदा है प्लॉट श्रीनगर में, बताओगे तुम लोग? हम लीगल लोग हैं, कानूनन बात करते हैं, बेफिजूल की गाली गलौज नहीं करते, है ना। लेकिन इस विषय में तुम्हें बात नहीं करनी, तुम्हें बात करनी है गुजरात के चुनाव में माहौल खराब करने के लिए, पोलराइजेशन करने के लिए तुम्हें यह पिक्चर दिखाना है। कल से हम तुम्हें वीडियो दिखाते हैं, है ना, विवेक रंजन अग्निहोत्री का। कल से हम होली मनाते हैं, बराबर। एक एक वीडियो, एक एक ट्वीट, पूरे हिंदुस्तान को नहीं बोलूंगा, पूरे भारत को। तुम लोगों ने देश का नाम बदल दिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखते हैं ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आधार कार्ड में क्या लिखता है? भारतीय सरकार। लेकिन तुम देश का नाम बदलने पे तुले हुए हो। तुम भारतीय हो, है तुम्हें भारतीयों की पीड़ा के बारे में? जब भी कोई बात आती है सब मुद्दों को छोड़ के तुम्हें यही सब करना आता है? अरे देश भुगत चुका है कोविड के बाद, अब तुम कोविड को फिर से जिंदा कर रहे हो, बराबर। इसके ऊपर तुम्हें डिबेट नहीं चाहिए, है ना। हम तुम्हारे मंत्रियों से मिलते हैं, तुम डिबेट करना भूल जाते हो, तुम हिंदुओं का जख्म दिखाते हो, हिंदुओं का जख्म। हमसे ज्यादा देखोगे तुम हिंदुओं का जख्म, तुम ये समझते हो। तुम्हारे एक नेता का विरोध करने से तमाम जो लोग जो तुम्हारे पार्टी में यकीन नहीं करते वो हिंदू नहीं है, तुम्हें यह लगता है। तुम तिरंगे में यकीन रखते हो, तुम्हारे लोगों को मालूम है कि तिरंगा एक मुसलमान ने डिजाइन किया था, वो भी उन्नाव से। तुम जानते हो, पढ़ते हो भारत का इतिहास, तुम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानते हो। हम उनके वंशज हैं, हम उनके नेटिव वंशज हैं। आजाद हिंद फौज किसने बनाई थी? काला पानी में झंडा किसने लहराया था? तुम गए थे लहराने, कौन थे उसके कमांडर? इसके बारे में डिबेट करें एक बार। नहीं करोगे चर्चा, बात करोगे? भूदान मूवमेंट में जो जमीनें दान दी गई वो जमीन आज किसके पास है? करोगे चर्चा तुम? तुम किस मुद्दे पे चर्चा करते हो? पेट्रोल के ऊपर बात करते हो, काले धन के ऊपर बात करते हो, बेरोजगारी के ऊपर बात करते हो, तुम चर्चे पे आते भी हो? तुम आज कश्मीर फाइल नाम का एक पिक्चर बना के ले आए, पूरे देश में वैसी दर्द कम है क्या? अरे दर्द घटाने का सोचो ना यार, उनके घर कब दिला दोगे? बताओ ना। मैं ब्राह्मण हूं तो मैं एक ब्राह्मण की पीड़ा समझता हूं, बराबर। लेकिन तुम्हें यह बात समझ में नहीं आएगी, एक ब्राह्मण का धर्म एक ब्राह्मण नहीं समझेगा। अब तुम ये भी सिखाने लगोगे, हैं? अरे तुम्हारे आंख से आंख मिला के बात करते हैं हम लोग, है ना, तुम्हारे जड़ में जाके। कितने लोग हैं अहमदाबाद में घुस के खुल के, कितने लोग हैं बताना? कितनी बार आ चुका हूं, 1.5 साल में 23 मरतबा। हमें डर लगता है तुम्हारे से, क्यों डरे भाई? कोई गलत काम कर रखा है हमने? तुम्हें ओपन करते हैं, तुम्हारे मुद्दों को एक्सपोज करते हैं, लेकिन तुम्हें समझ में ही नहीं आता। तुम्हें मालूम है अभी अगेन रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.6 से 8.1 कर दिया गया, 8.1 समझ में आई, 0.5 घटा दिया आप लोगों ने, पर तुम्हें समझ में नहीं आती। तुम्हें कोई दंड नहीं दिखता, जो भारतीय नागरिकों को दंड मिल रहा है आर्थिक तौर पे, तुम्हें इसका चर्चा नहीं करना है, है ना। कितने सरकारी स्कूल मजबूत किए हैं तुमने, तुम्हारे गुजरात के सरकारी स्कूल ना सब ओपन करेंगे, दिखाएंगे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, रिकॉर्ड कर चुके हैं हम लोग, एक एक करके सब दिखाएंगे, बराबर। कौन से मॉडल की बात करते हो? एक ऐसे जख्म के बारे में बोलता, जब तुम फाइल्स की बात करोगे ना, कश्मीर फाइल, अगले एक हफ्ते में हमारी मूवी आ रही है, आपको बता दें
द पतंजलि फाइल्स, बाबा रामदेव को, समझ रहे हैं ना? पतंजलि ने जिनके घर कब्जे किए ना, वो भी हिंदू हैं, और पतंजलि किनका है, वो भी हिंदू हैं। द पतंजलि फाइल्स, हिम्मत है मूवी देखने का? वो मूवी लाइव लाएंगे, स्ट्रीम कराएंगे हम लोग, दिखाएंगे जितने लोगों के घर कब्जे हुए हैं वो हिंदू हैं, बराबर। जिन पे फर्जी मुकदमे हुए हैं ना, वो भी हिंदू हैं। वो फाइल्स ऑफ आईपीएस संजीव भट्ट, तुम्हारे गुजरात का वीर पराक्रमी आईपीएस, में लड़ता हूं उसके लिए, भाई हमारा है ना, वो भी ब्राह्मण है। कश्मीरी पंडितों की बात आएगी ना तो संजीव भट्ट की बात भी सुननी पड़ेगी, बराबर। कश्मीर फाइल की बात करोगे ना, करो, कश्मीरी पंडितों को अधिकार दो, हम खड़े हैं तुम्हारे साथ, हम लड़ने के लिए तैयार हैं तुम्हारे साथ। अरे हम इनकी पॉलिसी का विरोध करते हैं, हम अत्याचार का साथ कभी नहीं देंगे, और अत्याचारियों का भी, जिन्होंने कब्जा किया ना, जेल में डालो उनको, कौन मना करता है? 7 साल तुम्हारी सरकार है, सबको चोर बताते हो, डकैत बताते हो, कितने इंडिया के पॉलिटिशियंस को जेल में तुमने डाला है हिसाब? एक का नाम बता सकते हो तुम? रॉबर्ट वाड्रा चोर है, चोर है, चोर है, डालते क्यों नहीं हो जेल में? चिदंबरम चोर है, डालो ना जेल में। गांधी परिवार है, डालो जेल में। तुम्हारे हाथों में चूड़ियां हैं क्या? हमने मना कर रखी है तुम्हें, मजाक करते हो तुम यार, है ना? पोलराइजेशन की लिमिट हो गई है। जो हमारे छोटे जनरेशन है ना, जो पढ़ रहे हैं, तुम्हारे बच्चे क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में, मेरे भी और सबके, है ना? कोई नहीं पढ़ाता किसी और स्कूल में, कोई मदरसा में नहीं पढ़ाता, कोई आश्रम में नहीं पढ़ा रहा, समझ गए? सब चाहते कि इंग्लिश मीडियम में पढ़े, फराटेदार इंग्लिश सीखे, हायर एजुकेशन ले, उसके ऊपर इंफेसिस करो ना, बनाओ ना सरकारी स्कूलों को मॉडल। दिल्ली में बना है ना मॉडल, कौन सा मॉडल है तुम्हारा? उत्तर प्रदेश में तुमने गौतम बुद्ध नगर जिला में 4 करोड़ का राइट टू एजुकेशन का बजट था, 4 साल में, 5 साल में 3.5 लाख रुपए दिए गरीबों को पढ़ने के लिए, 4 करोड़ में से 3.5 लाख। हिम्मत है हमसे डिबेट करने की? तुम्हारे मंत्री भागते हैं जब हम लोग आते हैं,